नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कल की कोड अपडेट के बारे में, खासकर शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि कल काफ़ी उथल पुथल रही है कोर्ट में और काफ़ी ऐसी सूचनाएं मिली, जानकारी मिली, लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे कि ये सूचना हम कल शाम को आपको नहीं दे सके। सबसे पहले तो रिजवान अंसारी आते हैं इस मामले में। रिजवान अंसारी ने कल लखनऊ में कोर्ट में जो उनके वकील ने कि बहस की, उसके अकॉर्डिंग अब ये लग रहा है कि उनकी तरफ से जो केस है वो जल्दी फाइनल नहीं होने वाला है। लगातार हियरिंग का मतलब ये है कि जज साहब ये भी नहीं कि लॉन्ग डेट देंगे, छोटी छोटी डेट देंगे, हो सकता है रेगुलर सुनवाई चलती रहे लेकिन समय कम देंगे, क्योंकि कल 3 बजे से सुनवाई थी और आज जो है 2:30 बजे से सुनवाई है, तो डेली 1-1.5 घंटे की बहस होगी। हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर ही फैसला हो जाए, लेकिन सबसे अहम तो रिजवान अंसारी का केस ही चल रहा था, लेकिन अब इस 69,000 शिक्षक भर्ती के पीछे कई लोग लग गए हैं। यानी कि आप मामला जानिए कि रिजवान अंसारी का केस है कट ऑफ को लेके, पासिंग मार्क्स को लेके, लखनऊ में भी इलाहाबाद में भी अमित कुमार और रीना सिंह जी ने जो केस दायर किया है वो भी इस पासिंग मार्क्स को लेके है, जिसकी सुनवाई कल 31 जनवरी को हुई थी और जज साहब ने ये कह दिया है कि वैसे ये मामला लखनऊ में चल ही रहा है लेकिन इसकी यथास्थिति बनी रहेगी अगली 6 फरवरी तक। हम 6 फरवरी को इस केस की सुनवाई करेंगे और 6 फरवरी तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी 6 फरवरी तक तो रिजल्ट जारी नहीं हो सकता, ये परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो सकता, तो ये भर्ती अभी फ़िलहाल नहीं हो सकती। ये रही लखनऊ की अपडेट। और इसके बाद एक और केस पड़ा है, वो पड़ा है भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के मामले में। एक केस और दाखिल हुआ है जिसमें जज साहब ने सुनवाई करते हुए एक लंबी प्रक्रिया करते हुए शायद इसका 19 मार्च तारीख दे दी है कि 19 मार्च इसकी अगली तारीख है और 19 मार्च तक रिजल्ट पर यथास्थिति बनी रहेगी। यानी अब क्या 19 मार्च तक रिजल्ट जारी नहीं होगा, परिणाम जारी नहीं होगा, तो बात गई, क्योंकि चुनाव मार्च के बाद अप्रैल में चुनाव हैं, आचार संहिता लग जाएगी मार्च में ही, अब फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लग सकती है, तो ये भर्ती चुनाव से पहले होना मुश्किल लग रहा है। वैसे कहने के लिए तो लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि वो पहले सबसे पहले आएगा, उसी के अनुसार सभी कोर्ट फॉलो करेंगे, लेकिन बात और भी कहीं फंस रही है। जैसे अभी एक केस और डाल दिया गया है इस मामले में, जिसमें शायद नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा उनका, उन्होंने एक केस दाखिल किया है कि पिछली भर्ती में जनरल और ओबीसी का एक ही पासिंग मार्क्स था, एससी एसटी का अलग था, लेकिन इस भर्ती में जनरल का अलग है, ओबीसी एसटी का अलग है, तो ये सरकार की मनमानी है पासिंग मार्क्स रखने का, यहाँ आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा है, आरक्षित पदों के लिए पासिंग मार्क्स की आगे पीछे सरकार करती रहती थी। ये मामला जज साहब ने विचाराधीन समझा, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उस पर बहस की और इसकी डेट भी अगली वही 19 मार्च के आसपास दे दी है। तो 19 मार्च आज पेपर में भी आई है भाई, इसको आप ये ना समझें कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आज पेपर की कटिंग है इसमें, जिसमें 19 मार्च अगली तारीख रख दी गई है। तो भूतपूर्व सैनिक का केस हो गया एक, ये ओबीसी और आपका जनरल की कैटेगरी अलग अलग रखने का केस हो गया, इधर आपके पासिंग मार्क्स के 3 केस चल ही रहे हैं, रिजवान अंसारी, अमित कुमार और रीना सिंह, ये सब केस चल रहे हैं। इन सब केस के बीचों बीच फंसी 69,000 शिक्षक भर्ती शायद अभी चुनाव से पहले ना हो, कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं लखनऊ की लगातार सुनवाई में क्या फैसला आता है। और हाँ, ख़ास बात इस भर्ती की तो रह गई, वो ख़ास बात ये थी कि जब बहस के दौरान सरकारी वकील ने ये कहा कि ठीक है, क्या जज साहब हम पदों से 1.5 गुना अभ्यर्थी लेके इस भर्ती को कर दें, ये प्रस्ताव रखा सरकारी वकील ने, तो ये याचियों के ऊपर डिपेंड करता है कि जब उन्होंने पूछा कि क्या आप इससे सहमत है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, शिक्षा मित्रों के वकील ने साफ मना कर दिया कि इससे शिक्षा मित्र शामिल नहीं होंगे, इसमें शिक्षा मित्रों को जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 69,000 हैं, यानी मान लो 70,000 की भर्ती कर रही है 70,000 सरकार, तो वो केवल 1,00,000 और तुम्हारे 5,000 इतने ही अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाएंगी और उसमें से सिलेक्शन दे देगी, यानी कोई कट ऑफ वगैरह नहीं है, बस टॉप के 1,05,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, उसमें से सबको नौकरी दी जाएगी 69,000 वालों को, 69,000 पदों पे।
तो इस प्रस्ताव को भी शिक्षा मित्रों ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे इस तरह से नहीं हो पाएगा, 40-45 कट ऑफ रखिए, फिर हमें भारांग दीजिए, तब नौकरी मिलिए। इस बात पर अड़े हुए हैं शिक्षा मित्र संगठन के, वो सॉरी शिक्षा मित्र की तरफ से जो वकील हुए हैं, वो चाहते हैं कि 40-45 कट ऑफ पर हो। कोर्ट ने भी एक दो बार कमेंट किया था कि क्या आप 40-45 पर भर्ती कर सकते हैं, तो नहीं, सरकार जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी टीचर देखने के लिए लगातार बहस करी जा रही है। तो ये तो रही कोर्ट की अपडेट। अब इसके बाद हम शिक्षा मित्रों की बात करें, तो शिक्षा मित्र के मामले में हम आपको बताएं कि फिर से एक नई तारीख मिली है आश्वासन की, उम्मीद जगाने की। तारीखों पर तारीख मिलती रही है शिक्षा मित्रों को, और पता नहीं कितने महीनों से एक एक तारीख मिलती रही है, और ये तारीखें मिलती रही सिर्फ चुनाव आने तक के लिए, और मुझे तारीखें गिनाने की आवश्यकता नहीं है कि जब ये कहा गया कि इस तारीख पर शिक्षा मित्रों का जो है कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन कभी किसी के द्वारा ऐसी संभावना नहीं बनी। और पिछली लास्ट कैबिनेट बैठक भी नहीं मिली, अजय प्रताप सिंह की नहीं मिली, राष्ट्रपति जी के द्वारा भी नहीं मिली कि कैबिनेट बैठक हो रही है केंद्र में, वो भी नहीं हुई। राज्य की कैबिनेट बैठक में भी कोई खबर नहीं मिली। अब आई है, एक लेटर चला है ऑफिशियल, जो सोशल मीडिया पर आ गया है कि 8 फरवरी को एक बैठक हो रही है, अपर मुख्य सचिव ने ये दिया है, मुख्य सचिव को, विशेष सचिव को, सभी को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बैठक का जो उद्देश्य है उसमें संविदा कर्मियों को के बारे में फैसला लेने के लिए बात कही गई है कि आखिरकार इनके संबंध में विचार मंत्रणा होगी कि इनका क्या किया जाए। और ये बैठक जो होगी वो आपके सभी संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी, आशा, प्रेरक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सभी के बारे में विचार विमर्श होगा और इनके बारे में फैसला लिया जाएगा। अब बात होती है कि इन सचिवों की बैठक में अगर ये फैसला शिक्षा मित्रों के बारे में लेते हैं या अनुदेशकों के बारे में लेते हैं, क्योंकि इतने सारे संविदा कर्मी हैं, सबके बारे में फैसला अचानक तो नहीं लिया जाएगा। अगर 8 फरवरी को ये कोई शुरुआत है शिक्षा मित्रों के कल्याण के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र शाही जी इस बात का क्या कहते हैं समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे प्रयासों के कारण ही ये बैठक हो रही है और शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। प्रयास तो भाई सब कर रहे हैं, उमा देवी जी का प्रयास कम नहीं है जो पिछले 280 दिनों से वहाँ धरने में बैठी हैं, और क्रांति जी का भी प्रयास कम नहीं है जो अब तिरंगा यात्रा करके दिल्ली में धरना करने जा रहे हैं। आपको बताएं दिल्ली के धरने के 7 फरवरी को जंतर मंतर पर दिल्ली पर धरना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, उनका कोई ऐसा बयान नहीं है, केवल उनके जिलाध्यक्ष मिलकर ये धरना कर रहे हैं। आगरा से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी, मुरादाबाद से निकलेगी, जो 7 फरवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन करेगी। 7 फरवरी को जंतर मंतर पर सभी शिक्षा मित्रों के लिए वो आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचें और हम वहाँ पर धरने पर बैठ जाएँ। तो देखते हैं कि ये सारी जानकारियाँ जो भी मिल रही हैं शिक्षा मित्रों के लिए, इधर धरना भी चल रहा है, सबका प्रयास है, लेकिन सबका प्रयास बेकार जा रहा है सरकार के आगे। सरकार ने जो सोच रखा है वही करेगी, पता नहीं कब करेगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितेंद्र शाही जी का कहना है कि वो अब शायद 8 फरवरी का दिन ऐसा होगा जहाँ शिक्षा मित्रों के मामले में सबको पता चल जाएगा क्या होगा। कैबिनेट बैठक में भी कुछ नहीं हुआ, 8 फरवरी को देखते हैं क्या होता है, और क्रांति जी की तिरंगा यात्रा भी देखते हैं कितनी सफल होती है, जंतर मंतर पर जो धरना होगा उससे केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे तो बातें बहुत हैं शिक्षा मित्र के मामले में करने के लिए, और कोर्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अरे एक कोर्ट अपडेट में ध्यान आया कि 31 तारीख को कोर्ट अपडेट भी ये थी, तो जो याचिका वो परीक्षा रद्द करने की जो कोर्ट केस डाला गया था उसकी भी सुनवाई हुई थी, उसमें वकील ने स्वीकार किया है कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन कितने स्तर पर हुआ है, कितने लोगों तक पहुँच गया है इसकी जांच नहीं हो पाई है। इसके बाद ही कोर्ट फैसला करेगी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि सरकारी वकील या किस तरीके से पता करते हैं कि कितने लोगों तक वो पेपर पहुंच गया था। तो ये थी सारी कोर्ट अपडेट, सारी बातें शिक्षा मित्रों को लेके। हम आपसे ऐसी ही बात करेंगे अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, और प्लीज़ भाई नीचे लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, इसे ज़रूर दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह।